आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। एडीविलो i7s का एयरबड का आज मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं सब रिव्यू कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, तो नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जुड़े, वहाँ पर आपको मैं बता दूँगा कि मैं कैसे क्या कुछ करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये छोटा सा वीडियो दोस्तों होने वाला है, इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा, कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही वीडियो में आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट का एक्चुअल में रिव्यू क्या है, क्योंकि जो मोस्टली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है ना, वो सारे के सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स कवर करते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो ऐसे नए ब्रांड होते हैं, सब कोई कवर नहीं करता। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि आपको ये जो एडविलो का i7s का जो एयरबड है, आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी, बताऊंगा इसके में कॉल क्वालिटी, बैटरी चार्जिंग करने में कितना टाइम, और अंत में मेरा ओपिनियन। आपको जैसे पता है कि 379 का ये आता है, और 379 के इसके पहले मैंने एक एयरबड का मैंने किया था, अब उसका नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैं प्रोडक्ट मंगाता हूँ रिटर्न करता हूँ, प्रोडक्ट मंगाता हूँ रिटर्न करता हूँ रिफंड करते रहता हूँ, तो उस वजह से मुझे हर एक का प्रोडक्ट का मुझे नाम याद नहीं रहता। तो आप मेरे चैनल पर कभी भी चेकआउट करना। मैं सोच रहा हूँ कि एयरबड का एक अच्छे से एक प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ एयरबड का, तो बाकी सारे प्लेलिस्ट में डिलीट करने वाला हूँ और दो ही प्लेलिस्ट में रखूँगा। तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है जो एयरबड के जो भी होंगे ना, वो आप देख लीजिएगा, वो जो भी होगा तो उसके अंदर आपको पता चले कि एयरबड कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ पर इसका मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ साउंड क्वालिटी की। तो भाई साउंड क्वालिटी से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं बोलूँगा एवरेज साउंड क्वालिटी। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई साउंड क्वालिटी का हमको एक्सप्लेन करके बताओ कि भाई कि कैसा है, क्या साउंड के किस मामले के लिए हमको लेना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा इसकी साउंड क्वालिटी आप कंसिडर करो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने के लिए और आपका कॉल क्वालिटी के लिए। बाकी अगर आप बोलोगे कि मुझे साउंड क्वालिटी के लिए चाहिए, तो भाई इसका क्वालिटी आपको वैसा नहीं मिलेगा आप जो सोच रहे हो, क्योंकि अभी के जितने भी जो एयरबड्स होते हैं, आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, देखो जो वायर एयरबड एयरफोन होते हैं ना, उसका क्वालिटी नेक बैंड से थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो नेक बैंड का क्वालिटी होता है वो एयरबड से ज़्यादा होता है। तो आप सोचो कि एयरबड का क्वालिटी कितना होगा। यहाँ पर जो है एयरबड की अगर मैं बात करूँ, तो ये एयरबड की जो क्वालिटी, अब मुझे समझ में आ रहा है मैं कंपेयर आपको किससे करके दिखाऊँ, क्योंकि जो नॉर्मल नेक बैंड है उससे भी थोड़ा कम है। डीप बेस आप मुझे पूछोगे तो मैं उतना डीप बेस उसका नहीं बोलूँगा, नॉर्मल डीप बेस है। एक मैंने रिव्यू किया था कोर का एयरफोन का, वो वायर वाला था, सेम उसके जैसा, उससे भी थोड़ा कम आवाज़ इसका मुझे लगा है, वो थोड़ा मुझे बेहतर आवाज़ लगा, वो 150 रुपीज़ का था। तो एक वायर एयरफोन से भी थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है। तो क्वालिटी के मामले में मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक एयरफोन लेना चाहते हो जस्ट फॉर लिसन वॉचिंग यूट्यूब्स, और अगर आप लेना चाहते हो कि मतलब कोई कॉल पर्पसेस के लिए, तो उसी के लिए मैं बोलूँगा आपके लिए सही है। कॉल क्वालिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कॉल क्वालिटी पिकअप का आपको दोनों साइड आपको बटन मिलते तो वो आप दोनों भी रिस्पॉन्सिव काफ़ी अच्छा है और वो आप यूज़ कर सकते हो। तो कॉल क्वालिटी के मामले में मैं बोलूँगा कि भाई आपको कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगा। बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको जो बैटरी है वो आपको मतलब ना दिन में कम से कम दो तीन बार आपको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो दो बार तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी जो है लगभग, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि विद इन 1 आवर के अंदर आप देखोगे इसका बैटरी जो है वो डायरेक्ट 60 पे आ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई इसका बैटरी बैकअप कितना चलने वाला है, कितना ये आगे तक जाएगा। तो ये 8 घंटा मेरे हिसाब से चलेगा, उसके ज़्यादा ये नहीं चलेगा, 1 घंटा लगता है चार्जिंग करने में। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई अंत में क्या आपको मुझे लेना चाहिए, मैंने इसके पहले एक रिव्यू किया है, आप वो जाके लो, उसमें आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है 1 घंटा चार्ज करने पर, वो जाके लेना, वो इससे बढ़िया होगा। इस वीडियो में इतना था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना।